गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आप लोगों का लिटरेचर में लेसन नंबर 17 हो चुका है, जिसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज मैंने आपको करा दिया है। ओके, जनवरी का कोर्स आपका लेसन नंबर 17 तक था, और लेसन नंबर 18 में आज आप लोगों को रीडिंग करा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस लेसन को देखें। द नेम ऑफ द लेसन, द मोस्ट वंडरफुल आंसर ऑफ ऑल, ए मिनट ऑफ थिंकिंग, ए मैजिकल फेरी डिसगाइजेज हरसेल्फ एज ए बिगर। डिसगाइज का मतलब होता है भेष बदलना, मैजिकल माने होता है जादुई। ए मैजिकल फेरी डिसगाइजेज हरसेल्फ एज ए बिगर टू फाइंड एन एल्फ वर्दी ऑफ गेटिंग हिज विश ग्रांटेड। द टास्क इज हार्डर देन इट अपीयर्स। इसका मतलब है कि जितना ये प्रतीत होता है, द टास्क इज हार्डर देन इट अपीयर्स, जितना प्रतीत होता है यह कार्य उससे अधिक कठिन है। रीड द एंड एंजॉय। आप सबसे पहले रीडिंग करना सीखें, मैं धीरे धीरे इसकी रीडिंग करा रहा हूँ, आप एक एक वर्ड पर ध्यान दें, ठीक है ना। और इसको एक बार, दो बार, तीन बार रीडिंग आप करें इसको घर पे। कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास टाइम है, इसलिए हम आराम से इस लेसन को करेंगे। ओके, वंस देयर वॉज ए मैजिकल फेरी हु हैड द गिफ्ट ऑफ ग्रांटिंग विशेज। ग्रांटिंग विशेज, विशेज मीन्स होता है इच्छा। एवरी हाफ मून सी ग्रांटेड वन विश टू वन एल्फ। लेटली However, it was hard to decide whose wish to grant. It was not that there were so many elves who deserved to have a wish come true. It was that there were so many who did not deserve it at all. So, on the night of the next half moon, she devised a plan to find a worthy elf. She folded her wings and donned a tattered cloak. ठीक है। She put on thin stockings, stockings मोजे, and worn boots, and covered her face with a veil. Veil means होता है जिससे आपका चेहरा न ढके, जिसको आप घूंघट कह सकते हैं, ठीक है ना। Then she hobbled through the forest using a crooked tree branch as a cane. Soon she smelled hot पेपर मिंट टी एंड saw an elf cupping a mug in his hand. Okay? Good day, good friend. I seem to have lost my way, she said in a raspy voice. Could you please help me get home? Why me? The elf blew steam from his mug. There are lots of other elves around. इसमें आप लोगों को कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसकी वर्ड मीनिंग आपको जाननी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप देखें elf। इल्फ क्या है? एन इमेजिनरी बींग, एक काल्पनिक प्राणी। लाइक ए स्मॉल पर्सन, एक छोटे व्यक्ति की तरह। विथ पॉइंटेड ईयर्स, जिसके कान बिल्कुल पॉइंटेड माने एक बिंदु की तरह हो, ठीक है ना। फिर एक वर्ड आया है क्लोक, क्लोक मीन्स कवर। फिर आया हॉवर्ल्ड, हॉबल्ड का मतलब होता है वॉक्ड विथ डिफिकल्टी, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा हो बहुत परेशानी में। फिर आया है वर्ड केन, वॉकिंग स्टिक,
जो हम स्टिक लेकर के टहलते हैं उसको बोलते हैं वॉकिंग स्टिक। रेस्पी, हॉर्स साउंडिंग, कठोर आवाज। तो इन कठिन वर्ड को आप नोट करेंगे, उसकी स्पेलिंग लर्न करेंगे, ठीक है ना। और इन पैराग्राफों को आप 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी टाइम्स आप पढ़ने की हैबिट डाल सकें इंग्लिश, आप उतना पढ़ने की कोशिश करें। और आपका कोर्स इसके बाद एक लेसन और रह जाएगा, इसलिए हम इसको आराम से ही करेंगे। आप लोग रीडिंग ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लेसन को रीड करें, उसकी मीनिंग को रीड करें, उसकी स्पेलिंग को रीड करें। ओके, थैंक यू। तो आज आप लोग इसको, इस लेसन की रीडिंग करेंगे, और पिछला लेसन जो मैंने कराया है उसको आप लोग, उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग लर्न करते रहें, वर्ड मीनिंग उसकी भी तैयार करते रहें। ओके, थैंक यू।